आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड क्या है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती है। यूरिक एसिड टेस्ट को करने के लिए हमारे पास यूरिक एसिड किट की आवश्यकता होती है और एक ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे लैब में यूरिक एसिड टेस्ट कैसे किया जाता है। यूरिक एसिड टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हम L1 रिएजेंट 400 लेंगे, उसके बाद L2 रिएजेंट जो है हमारा वो क्या करेंगे 100 लेंगे और L1 रिएजेंट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम जो हमारे पास ब्लड सैंपल है सीरम, इसमें से हम 10 माइक्रो सीरम लेंगे और L1 और L2 के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट इसे हीट फिक्स करने के लिए मशीन के साथ टेम्परेचर में रखेंगे। यह हमने टेम्परेचर में रख दिया है और मशीन में हम यूरिक एसिड टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। 5 मिनट होने के बाद हम सैंपल को रन करेंगे, तब तक हम यूरिक एसिड टेस्ट इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में परेशानी हो सकती है। अब देखिए 5 मिनट होने के बाद हम मशीन में सैंपल को रन कर देंगे। यह हमने सैंपल को रन कर दिया है और रीडिंग नोट कर लेंगे। यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज जो होती है 2.4 से 6.0 mg/dL मेल में होती है, 3.4 से 7.